everyone, Ram Ram, welcome back to my channel and welcome to another video and welcome to another Myntra haul. You guys are loving my Myntra haul so much कि मैंने सोचा अभी Myntra की end of season sale जो है start हो चुकी है where you get 50-90% off and आपको best deal मिलती है, lowest prices मिलते हैं international brands पे and this is the best sale जिसका कि आप फायदा उठा सकते हो. So मैंने सोचा इससे भी related मैं एक haul बनाती हूँ. So I am here with this video and इसमें मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ कुछ सारी के ऑप्शन. नाउ दीस सारीज आर समथिंग जो कि आप डेली बेसिस पे भी वेयर कर सकते हो. इफ यू आर ऑफिस गोइंग तो भी आप वेयर कर सकते हो. आप टीचर हो आप या फिर आपको ऐसे इन जनरल साड़ीज का शौक है तो भी आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हो. आई हैव साड़ीज फॉर ऑल एज ग्रुप आई गेस इन दिस वीडियो. एंड या अगर आप लोगों की लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं बट फ्यूचर में टीचर्स डे आएगा तब आप इसको ले सकते हो या फिर अपनी फेयरवेल के लिए. बहुत सारे फायदे होंगे अगर आप देखोगे आगे. सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इफ़ यू आर गोइंग टू बाय एनी ऑफ दीज. और मैं एक से बढ़ के एक चीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. ऑल्सो देर इज अनदर वीडियो विच इज़ लाइंड अप फॉर यू गाइज जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. वो इससे नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो वही आने वाली है. उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस कॉट्स ऑल द देखने को मिलेगा. एक झलक आप देख सकते हो जो कि मैंने पहना है. अभी वेट करो आएगा. सस्पेंस बहुत ज़्यादा बना रही हूँ मैं उस वीडियो को लेकर बट लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है. यू आर गोइंग टू लव इट. सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो से. सो द वेरी फर्स्ट साड़ी इज दिस कालीनी कलमकारी प्रिंटेड ब्लॉक प्रिंट साड़ी एंड दिस इज व्हाट द साड़ी लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट द साड़ी लुक्स लाइक. जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था उसके ऊपर उस मॉडल ने जिस तरीके से ड्रेप कर रखी थी शी वॉज लुकिंग फैब. और तब मेरा ये हो गया था मैं कह यार ये साड़ी तो मैंने डेफिनेटली ट्राई करनी है बिकॉज ये पहनी हुई बहुत एलिगेंट लगेगी. इस मॉडल के ऊपर ये साड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी आप देख सकते हो यहाँ पर कि आई वाज लाइक आई हैव टू ट्राई दिस आउट. और इसका मटेरियल बहुत अच्छा आया है. दिस इज बेसिकली सिल्क आर्ट सिल्क है मटीरियल एज पर द डिस्क्रिप्शन. और ये बहुत सुंदर प्रिंट के साथ आई है. आई विल शो यू. इसके साथ ना ब्लाउज का कपड़ा भी अटैच है. सो इतना आपको ब्लाउज का कपड़ा अटैच मिल रहा है. आई थिंक दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन दिस इज 0.8 मीटर्स लॉन्ग. और जो साड़ी है वो आपको मिल रही है 5.5 मीटर्स. सो काफ़ी सही है लेंथ वाइज. और मैं इसको ना आपको पल्ला डाल के दिखाती हूँ हाउ प्रिटी दिस साड़ी लुक्स लाइक जब आप इसको वेयर करोगे. आप ट्राई ऑन में भी देख सकते हो. आई एम तो डेफिनेटली लव विद इट. स्कूल गोइंग अगर आप टीचर हो या आप घर में भी इसको पहनते हो कैजुअली किसी मीटअप के लिए जा रहे हो गेट टुगेदर है बहुत अच्छी लगने वाली है ये साड़ी. फॉर एवरी वन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. और प्राइस जब आप सुनोगे ना आपके होश उठ जाएंगे बिकॉज दिस इज करेंटली सेल में दिस इज जस्ट फॉर 584 रुपीज. मतलब यार इतने मीटर का तो कपड़ा भी नहीं मिलता और यहाँ पर आपको इतने सुंदर प्रिंट के साथ ये पूरा 5.5 मीटर का कपड़ा मिल रहा है. आई मीन वाओ. और इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर ऐसे हिरन हाथी घोड़े ये सब बने हुए हैं फ्लावर्स बने हुए हैं. बहुत प्रिटी पैटर्न है. आई थिंक यू मस्ट कंसिडर दिस साड़ी. और बहुत लाइट वेट है बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती. आई एम तो डेफिनेटली गोइंग टू स्टाइल इट इन मेनी मेनी वेज आगे फ्यूचर में आप देखना. और इसके ना लास्ट में एंड में जो पल्ला है उसके ऊपर ना ऐसे टेसल्स बने हुए हैं इफ़ यू कैन सी इस तरीके से. वो भी बहुत सही चीज़ है. आई तो रियली लाइक इट. साड़ी इज वेरी गुड और काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में. सो द फर्स्ट साड़ी विच वी हैव इज दिस वन. कमिंग टू अवर नेक्स्ट साड़ी विच इज मिटेरा कॉटन ब्लेंड कलमकारी साड़ी विथ टेसल्स. सो कलमकारी इज बेसिकली जो ब्लॉक प्रिंट होता है ना आई थिंक उसको बोला जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज इसमें भी ब्लॉक प्रिंट है और वो बहुत सुंदर है. एंड दैट साड़ी वॉज ऑल्सो ब्लॉक प्रिंट और उसमें तो ओवरऑल पूरे पे सेम प्रिंट था. वो इतनी ज़्यादा प्रिटी थी. इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी एंड दिस इज इन द कलर ऑरेंज. और पहले हम लोग साड़ी की बात करते हैं उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इट्स गुड पॉइंट. सो दिस इज वॉट द साड़ी लुक्स लाइक एंड वाओ लुक एट द कलर यू गाइज लुक एट द प्रिंट एंड एवरीथिंग विच इज हैज कलर का कॉम्बिनेशन सब कुछ साड़ी में बहुत ज़्यादा सुंदर है. इनफैक्ट डेली बेसिस के लिए ये साड़ी बहुत अच्छी अगर आप कोई घर में पहनने वाला अगर इसको बाय करे हो या फिर कोई ऐसे टीचर बाय कर रही है या ऑफिस गोइंग कुछ बाय कर रहे हैं भाई साहब आपके जो फंक्शंस और इवेंट्स वगैरह होते हैं ना उसमें बहुत एलिगेंट लगाने दिखाने वाली है आपको ये इस तरीके की साड़ी है. सो आई तो रियली लाइक इट. इसका जो मटेरियल है वो मैं आपको बता देती हूँ. दिस इज कॉटन ब्लेंड साड़ी और जो इसका ब्लाउज का कपड़ा इसके साथ अटैच दे रखा है 0.8 मीटर है वो भी वो है सिल्क वाला कॉटन हल्का सा शाइनी हल्का सा कॉटन जो ब्लेंड होता है ना दोनों का मिक्स वो है. एंड दिस इज
just for 879 rupees during this sale. और कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ब्रीदेबल मटेरियल है एंड दिस इज़ सो प्रिटी. आई रियली लव ये जो कमल के फूल और बीच में मोर वगैरह सब कुछ बना रखा है इन्होंने. इट लुक्स सो प्रिटी, बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई. और आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको स्टाइल किया हुआ है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो. और काफ़ी अच्छा लगती है यार इस टाइप की साड़ीज़. और ये ना हर एज ग्रुप पे अच्छी लगेगी. इफ़ यू आर समवन जो कि मीडियम एज ग्रुप में तो भी अच्छी चलेगी. अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, एजड में हो या आप थोड़े हमारे आंटी दादी नानी के टाइप में आते तो भी ये साड़ी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी. और बट द मटेरियल इज़ रियली रियली गुड. जो भी अभी तक मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई ना, दोनों का मटेरियल, दोनों का स्टफ़, दोनों का प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी मैंने पे करा है बहुत अच्छी चीज़ मुझे रिसीव हुई है. ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट साड़ी, दिस इज एकाशा स्ट्रिप्ड. This is Akasha stripped printed ready to wear saree. और ready to wear तो मुझे इसमें लेके आनी थी because it is a very very common nowadays कि लोगों को साड़ी बांधनी नहीं आती है. पहले के टाइम में फिर भी बहुत शौक होता था सबको, तो सीख लेते थे और या फिर आती है तो इतना टाइम नहीं है कि हम लोग टाइम लगाएं प्लेट्स लगाने में. ये वो तो फिर मैंने सोचा था मैं का रेडी टू वेयर साड़ी तो एक ऐड करनी ही करनी है, इवन मुझे मेरे कलेक्शन में भी ऐड करनी है. सो आई बॉट दिस वन. और स्ट्रिप ये जो वाइट एंड ब्लैक वाला स्ट्रिप वाला पैटर्न है ना, ये बहुत कॉमन भी है येट बहुत एलिगेंट भी लगता है पहना हुआ. दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक बिकॉज ये ना जब आप ड्रेप करते हो जिस तरीके से आपको दिखाता है स्ट्रिप में, आप थोड़े से लंबे भी लगते हो एंड ऑल दैट, वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल का शो अप होता है. आप देख सकते हो मैंने ट्राई ऑन में कैसे पहना. सो दिस इज़ बेसिकली प्योर जॉर्जेट में और ये ऑलरेडी वो है जैसे मैंने बताया रेडी टू वेयर है. सो इसमें ऊपर ना प्रॉपर इन्होंने ये इस तरीके से ये बेल्ट दे रखी है जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग बांधनी होती है. इस पर ये हुक दे रखा है एंड अंदर की तरफ बहुत सारे ना आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग इन लोगों ने वो बना रखे हैं, हुक को अटैच करने के लिए बना रखा है. जहाँ पर भी आपका वेस्ट का सही बनता है आपको वहाँ पर ये हुक ऐसे डालना है एंड यू आर डन. ये आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इतनी आपकी वेस्ट है, वेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक जा रखा है वेस्ट. अगर आपकी इतनी भी है तो भी आप इसको इजीली वेयर कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. ऊपर से प्लेट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से इस तरीके से बना रखी है. आपको जस्ट इसको हुक करना है एंड देन जस्ट पल्ला डालना है एंड यू आर डन. और सिल्क का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी जॉर्जेट का जो मटेरियल है ये काफ़ी सॉफ्ट जॉर्जेट है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी. और बॉडी हगिंग होने वाली है ये, तो बहुत अच्छा है. और इसके साथ ना आपको जो ब्लाउज का कपड़ा है वो ऐसे अटैच दे रखा है एंड दिस इज बेसिकली पॉली सिल्क का जो मटेरियल होता है ये वो दे रखा है एंड यहाँ पर आपको प्योर जॉर्जेट मिल रहा है. सो या दैट्स दैट. और ये हमारा है हुक वाली रेडी टू वेयर साड़ी. और ये कैसी लग रही है आपने ऑलरेडी ट्राई ऑन में देख ली है. आई रियली लाइक इट. ये मेरा काफ़ी टाइम से विशलिस्ट में थी कि मुझे इस टाइप की साड़ी चाहिए. ऑल्सो इफ यू गाइस नोटिस ना तो इन्होंने बॉर्डर पे ना वो लगा रखा है ये लेस वाला डिज़ाइन जो कि थ्रेड वाली लेस होती है वो वाला डिज़ाइन दे रखा है. सो यस कमिंग टू आवर नेक्स्ट. ओके, मैंने आई थिंक उसका प्राइस नहीं बताया. रेडी टू वेयर साड़ी वॉज फॉर 1198 यानी कि 1200 रुपये की. अब उसके बाद बारी आती है मेरी नेक्स्ट साड़ी की. दिस इज सांग्रिया चारकोल एंड पिंक फ्लोरल प्रिंटेड सेटिन साड़ी एंड दिस इज फॉर 999. और वो साड़ी कुछ ये है. अब नाउ ऑन द कैमरा इट लुक्स वेरी वेरी गुड, इन इवन ऑन इन जर्नल इट लुक्स वेरी वेरी गुड. बट जो चारकोल का जो प्रिंट दे रखा है ना इसके ऊपर वो इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, ऐसा लिटरली लग रहा है अगर कोई दूर से देखेगा कि ये खुद से किसी ने ड्रॉ कर रखा है इस टाइप का. एंड द मटीरियल इज सुपर सुपर सॉफ्ट. इट इज़ लिटरली आई थिंक द सॉफ्टेस्ट सेटन आई हैव एवर टच्ड. इस तरीके का है ये ब्लाउज का जो कपड़ा है ना, इट ऑल्सो हैज बहुत जो देखो ये थोड़ा सा वाइब्रेंट में प्रिंट आ रखा है तो ये थोड़ा सा लाइट में प्रिंट है. मतलब आप जो ब्लाउज पहनोगे तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा आपकी साड़ी से. सो इस तरीके से है ये. एंड इसमें ना सारे में इस तरीके से ब्लैक बॉर्डर है, मतलब ऑन इट्स ऑन अलग से नहीं लगा रखा है, इसके अंदर ही ये प्रिंट से ऊपर जो थोड़ा सा गैप छोड़ के इन्होंने बॉर्डर बना रखा है.
So if you can see, this is how it looks like. Also the print is very very pretty. और ये wear की हुई आपकी body को इतने अच्छे से hug कर लेती है ना, आपके curves को इतने अच्छे से show करती है. It looks very very good. 999 की है, पैसा वसूल है. अगर आप चाहो तो अपना blouse थोड़ा सा designer और उस तरीके से stitch करवा के बहुत अच्छा और elegant इसको look दे सकते हो. So the next saree which we have is this one. Now coming to our next and the last product of this haul. This is basically an experimental product जो मैंने order किया था, because you all already know I go for very subtle beige, black और इस तरीके के ऐसे कलर जो मेरे कलर को सूट करें. इस तरीके के कलर्स मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ, बट मैंने ऐसे सोचा यार रेड कलर ऑर्डर करते हैं. रेड कलर की साड़ी मुझे ना वो वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है जो सेम कलर का के ऊपर सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी हो. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पे ब्लैक, रेड पे रेड, येलो पे येलो, इस तरीके का मुझे बहुत पसंद है. तो मेरे काफ़ी टाइम से मन था. आई ऑलरेडी हैव ब्लैक ऑन ब्लैक. मैंने मेरी फ्रेंड की शादी में वो लोकल मार्केट से बाय की थी एंड दैट इज अ मास्टर पीस, बट वो बहुत हैवी है साड़ी. सो I thought of giving it a try. So this is basically Sangria ki embroidered net sari and this was for 1169 aur material iska net hi hai. So maine ye abhi tak, so this is what the sari looks like. Kitna chatak red color hai, ekdum bright wala, aur iske upar pure pe ye kadhai de rakhi. Now I want se kadhai ka ये जो है वो बहुत चीप है या कुछ भी है, नहीं, इट इज़ अ वेरी डिसेंट वर्क. बट ये काफ़ी लाइट वेट है, जो मतलब मेरे दिमाग में इल्यूजन था ना कि वो मेरी ब्लैक वाली इतनी हैवी तो ये भी हैवी होगी ना भाई, ये काफ़ी लाइट वेट है और बांधी हुई भी एकदम ऐसे शू डन. इतनी ईजी है इसको बांधना बिकॉज नेट हो गया है. नेट बहुत अच्छे से सेट हो जाता है अगर आपको करना आता है तो. ऑल्सो इसका जो ऑल्सो इन लोगों ने ना नेट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दे रखा है अंदर, जिसको कि आप एज अ ब्लाउज यूज़ कर सकते हो. पूरी की पूरी साड़ी के पल्ले के ऊपर, पूरे के पूरे पल्ले के ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी है. और साड़ी के नीचे जहाँ पर नीचे नीचे का एरिया होता है ना, जो हाफ साड़ी नीचे नीचे की, उस पे सारे पे ये वाला काम है. एंड पहनी हुई तो काफ़ी सुंदर लगती है, आप देख सकते हो. मटेरियल काफ़ी अच्छा, सॉफ्ट है, लाइट वेट है. पार्टीज़ वगैरह में बहुत अच्छे से आप इसको कैरी कर सकते हो. इफ़ यू आर न्यूली वेड, आपकी शादी हुई है, होने वाली है, आप डेफिनेटली इस साड़ी को कंसिडर कर सकते हो बिकॉज ये बहुत प्यारी लगेगी आपके ऊपर पहनी हुई. एंड रेड इज समथिंग जो कि न्यूली वेड पर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. सो दिस इज़ अ दैट काइंड ऑफ साड़ी. ये ना कोई भी आपको देख के ये बोलेगा नहीं कि आपकी साड़ी इतनी लाइट वेट है, ठीक है. सबको दूर से ऐसा लगेगा कि यार क्या हैवी चीज़ इन्होंने पहनी हुई है, बट यू आर सो मच कंफर्टेबल इन दैट कि आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील ही नहीं होने वाला. ये सारी ही साड़ियाँ इतनी लाइट वेट मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यू आर नॉट एट ऑल गोइंग टू फील कि आपको बहुत कुछ आपने मतलब वो होता ना साड़ी पहनने के बाद इंसान दुखी हो जाता है, इसको पहन के दुखी नहीं होंगे. सो दीज आर माई थॉट्स अबाउट ऑल साड़ीज. एंड या गाइज, दिस इज इट फॉर दिस हॉल. आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपको पूरे आउटफिट में से जो भी आउटफिट अच्छा लगता है वो बताया करो. एक हर्ट कॉमेंट कर दिया करो, दिस विल मीन दी एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी. और अगर आप थोड़ा सा और फेवर मेरे ऊपर करना चाहते हो तो आप मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करो, वो तो और भी सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा. सो या गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑल्सो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेक श्योर टू चेक दैट आउट. और सेल का मजा उठाना मत भूलना बिकॉज ये सेल बार बार नहीं आती है. दिस इज गोइंग टू बी लाइक आई थिंक 31st of May से लेके ये आपकी चलेगी 10th of June तक. इतनी लंबी सेल चलने वाली है, सो फायदा उठाओ इस सेल का. आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले सारे प्रोडक्ट्स फटाफट बाय कर लो. एंड मैं अब आप लोगों से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट सजेशन वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है एक और मिंत्रा हॉल. बट उसमें आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट्स दिखने वाले हैं, यू आर गोइंग टू लिटरली लव इट. मैंने समर फ्रेंडली इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें ऐड किया ना, आप लोग बस वेट करो. एक दो दिन में मैं फटाफट से दोबारा आपकी स्क्रीन पर आने वाली हूँ, ठीक है. चलो बाय.